एनटीए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से जेईई मेंस परीक्षा का परीक्षा फल घोषित कर दिया गया है। रिजल्ट जारी होने के बाद कई छात्र खुश दिखाई दे रहे हैं तो कई छात्रों को एग्जाम क्वालिफाई न करने का मलाल भी है। उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल के आशुतोष मिश्रा ने जेईई मेंस परीक्षा में सफलता हासिल की है। आशुतोष के जेईई मेंस में 99.369 परसेंटाइल हैं। आशुतोष की उपलब्धि से परिजन में खुशी है तो वहीं दोस्तों से लेकर नाते रिश्तेदार बधाई देने में लगे हुए हैं। प्रतिष्ठित NIT IIT में प्रवेश का सपना हर उस छात्र का रहता है जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहता है। हर साल लाखों बच्चे 12 पास करने के बाद जेईई मेंस परीक्षा देते हैं ताकि NIT में पढ़ने का सपना पूरा हो सके, लेकिन यह सपना कुछ गिने चुने छात्रों का ही पूरा हो पाता है। आशुतोष ने SGRR श्रीनगर से 12वीं की है। आशुतोष मिश्रा बताते हैं कि उन्होंने खुद से मेहनत कर परीक्षा उत्तीर्ण करने की सोची, इसलिए कोचिंग नहीं लगाई। आशुतोष बताते हैं कि वह सुबह जल्दी नहीं उठ पाते थे, इसलिए देर रात तक उठने की कोशिश उनकी रहती थी। कहते हैं कि वह सुबह के बजाय देर रात तक पढ़ते। आशुतोष का कहना है कि उन्होंने यूट्यूब से ही देखा, पढ़ा व सीखा। आशुतोष मिश्रा ने परीक्षा के लिए कोई कोचिंग नहीं ली। आशुतोष ने सेल्फ स्टडी करते हुए जेईई मेंस एग्जाम क्रैक किया है। आशुतोष मिश्रा ने फिजिक्स विषय में 100, गणित में 98, केमिस्ट्री में 98.418 अंक प्राप्त कर एग्जाम क्वालिफाई किया है। इसमें मेरी परसेंटाइल आई है 99.36। कोचिंग मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मैंने सोचा खुद से ही ट्राई करता हूँ एक बार, मैं अपना ही जितना मेरे पे आता है, मतलब मेरे पे जितनी पोटेंशियल है मैं उस पोटेंशियल तक पहुँचूँ। तो मैंने सोचा कि आजकल यूट्यूब में सब कुछ पढ़ा हुआ है तो उससे ही पढ़ता हूँ। मैंने 10th कॉन्वेंट से करा है, फिर मैं 11th में SGRR चले गया था और 11th 12th मैंने SGRR से किया है। क्या आपने मैंने मोस्टली यूट्यूब का ही सहारा लिया है अपनी जेई की प्रिपरेशन में, और ट्यूशन मैं स्कूल टाइम में भी नहीं गया, जेई के लिए भी नहीं गया, कभी नहीं गया। मेरा रूटीन ये रहता था कि मैं सुबह नहीं उठ पाता था जल्दी, पर मैं रात को देर तक उठा रहता था क्योंकि कई होते हैं जो अर्ली बर्ड होते हैं कोई। आशुतोष कहते हैं कि छात्रों के दिमाग में यह रहता है कि 12वीं पास करने के बाद आगे की सोची जाएगी कि क्या करना है। कहते हैं कि यह गलत धारणा है, हमें स्कूलिंग के दौरान ही यह तय कर लेना चाहिए कि हमें किस फील्ड में करियर बनाना है, जिसके बाद उसे लक्ष्य मान तैयारी करनी चाहिए। कहते हैं कि उनकी प्राथमिकता है कि वे NIT कुरुक्षेत्र से आगे की पढ़ाई करें और उनका सपना डेटा साइंस के क्षेत्र में कार्य करने का है। लोकल 18 के लिए श्रीनगर गढ़वाल से कमल पिमोली की रिपोर्ट।